पृथ्वी के बदलते मौसम का बुरा असर इंसान के साथ साथ पशु पक्षी और जानवरों पर भी हो रहा है। जानवर और पक्षियों की कई प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं और इसी सूची में एशियाई राजगिद्ध यानी एशियन किंग वल्चर का नाम भी शामिल है। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के मुताबिक यह पक्षी रेड लिस्ट में शामिल है। इस प्रजाति को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दुनिया का पहला एशियाई राजगिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। बता दें कि एशियाई राजगिद्ध गिद्ध की 9 प्रजातियों में से एक है जो भारत में पाई जाती है और यह गिद्धों की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसका पंख लगभग 3 मीटर तक फैल सकता है। यह एक सफेद रंग का पक्षी है जिसके सिर और गर्दन का हिस्सा लाल रंग का होता है। यह पक्षी खुले मैदान और जंगलों में पाए जाते हैं। यह किसी भी जानवर या कीड़े मकोड़े का शिकार नहीं करते हैं बल्कि मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। यह भारत में बड़े पैमाने पर पाया जाता था लेकिन डाइक्लोफिनाक विषाक्तता के बाद इसकी संख्या काफी कम हो गई। डाइक्लोफिनाक एक गैर स्टेराइडल सूजन रोधी दवा है। इसका इस्तेमाल पेन किलर के रूप में किया जाता है और ये सूजन को भी कम करता है। यही दवा पशुओं में भी दर्द और सूजन को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये गिद्धों के लिए जहरीला होता है। दरअसल होता ये है कि पशुओं को दर्द से राहत देने के लिए डाइक्लोफिनाक का इस्तेमाल किया जाता था और उनके शरीर में इस दवा का अंश रह जाता था और जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उनकी लाशों को गिद्ध खाते थे और उन पर इस डाइक्लोफिनाक का बुरा असर होता था जिसके कारण गिद्धों की मृत्यु दर बढ़ गई और वह धीरे धीरे लुप्त होने लगे। यूपी सरकार इन पक्षियों को संरक्षित करने और इनके प्रजनन के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित कर रहा है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा गया है। इसका उद्देश्य कैद में गिद्धों की संख्या को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और लोगों को गिद्धों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। मादा द्वारा अंडा देने के बाद जोड़े को उनके प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।